विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल द्वारा संयुक्त रूप से तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर यूसुफ मेनन ने कहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करना होता है। तंबाकू से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों में होता है और शरीर में 10 से अधिक अन्य प्रकार के कैंसर होते हैं। तो वहीं रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रंजीत सैनी ने कहा है कि हमें प्रतिदिन तंबाकू निषेध दिवस मनाना चाहिए। हम संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाएंगे। विशेषकर स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ऑफिस आदि जगह को चयनित किया गया है। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है और WHO का इस साल का थीम है टोबैको एंड लंग हेल्थ। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, स्मोक, बीड़ी, सिगरेट, इसकी वजह से हमारे लंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये हमारे शरीर को पूरा नुकसान तो पहुंचता ही है, स्पेशली हमारे लंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा काम करने पर थक जाना, उसके अलावा अस्थमा, खांसी और लंग की बहुत सारी बीमारियां तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के कारण होती हैं। आज 31 मई पर संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल और रोटरी क्लब ऑफ रायपुर के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम लोगों ने लोगों को तंबाकू और उसके कारण होने वाली बीमारियों और तकलीफों के बारे में लोगों को बताया। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर के DG रंजीत सैनी जी भी आज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ और MP और उड़ीसा के जितने भी 3261 रोटरी क्लब के क्लब हैं, उसमें हम सभी जगह जाकर एक एक बार एंटी टोबैको कैंपेन करेंगे और लोगों को तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के बारे में लोगों को बताएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में हम ये संदेश फैलाएंगे। सभी को पता है जी आदि हो रहे हैं जी, अगर छोड़ना है जी, कुछ तरीके हैं जी। शुरुआत में तंबाकू का उपयोग लोग शौक के रूप में करते हैं, लेकिन तंबाकू में जो निकोटीन तत्व है वो लोगों को इसकी आदत बना देता है, अपना गुलाम बना लेता है। यही रीजन है कि एक बार तंबाकू, गुटखा, पान मसाला शुरू करने पर लोग जब इसको छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें विड्रावल सिम्टम होते हैं, जैसे एंग्जाइटी या बार बार क्रेविंग, बार बार उसी की तरफ ध्यान जाना, मूड खराब हो जाना तंबाकू न मिलने पर। इसी वजह से लोग जो है उसको छोड़ नहीं पाते हैं। शौकिया तौर पर इसको बिल्कुल शुरू ना करें, शुरू से ही आप इन चीजों को समझें, लोगों में जागरूकता आए, यही इस दिन। पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं संजीवनी हॉस्पिटल और रोटरी क्लब रायपुर नॉर्थ को, जो कि काफी सालों से इसमें प्रयास करते आ रहे हैं। आज उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया था तो मैं आया, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है और देखने के बाद एहसास होता है कि हमें सब चीजों को छोड़ना चाहिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेमिनार्स जो होते हैं, जो कि जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा छत्तीसगढ़, आधा मध्य प्रदेश और आधा उड़ीसा है, उसका पार्ट है हमारा, इसमें बहुत बड़ा अभी एक सेमिनार हो रहा है जो कि 21 जुलाई को हो रहा है। उसमें हम इनका एक प्रेजेंटेशन रखेंगे और आने वाले डिस्ट्रिक्ट के जितने हमारे इवेंट्स हैं और सेमिनार्स हैं और जितने भी मतलब टॉक्स रहेंगी, जिसमें कम से कम हर जगह कम से कम 500 से 1000 लोग जो है रोटरी के लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ हम एक कम से कम इनका एक प्रेजेंटेशन रखें जिससे लोगों को एक अवेयरनेस आए। तो जो कि जो इस साल मनाया जा रहा है, साल में एक दिन मनाया जाता है, तो मेरा कहना है कि एंटी टोबैको डे जो है हर दिन मनाना चाहिए। जैसे कि हमारे सिख समाज में भी हमारे गुरुओं ने शुरू से उपदेश दिया था कि भाई इस सब चीज़ों से, नशों से दूर रहना चाहिए आपको, तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले वर्ष में हम इसको अधिक से अधिक इसका प्रचार करें और इसकी अवेयरनेस के कारण लोगों को इसका फायदा मिले।